दोस्तों मैच खत्म होने के बाद पहुंच गया डायरेक्टली यहाँ पर रोहित शर्मा अपना भाई के पास हॉस्पिटल में। क्या है कुछ खबर की जानकारी बताएंगे पूरा खबर इसी वीडियो में। उससे पहले आप लोग भी चाहते हो टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप में चैंपियन बने तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को दिल से सब्सक्राइब करें। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं यहाँ पर जो बांग्लादेश और भारत के बीच एक मुकाबला खेला गया था जहाँ पर हार्दिक पांडे बहुत ही बुरा तरीके से गेंद फेंकने के टाइम में चोटिल हो गया था, लेकिन चोट उनका इतना गंभीर है एक हॉस्पिटल से और एक हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट करवा दिया गया है। लेकिन कल के दिन जहां पर न्यूजीलैंड और भारत के बीच एक महामुकाबला खेला गया था जहां पर 4 विकेट से एक बहुत ही बड़ी जीत प्राप्त की है टीम इंडिया। लेकिन इस जीत के बाद रोहित शर्मा जो मैच खत्म होने के बाद अपना बड़ा भाई का खबर जब आया जो एक हॉस्पिटल से और एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है, तभी तुरंत जो दूसरे हॉस्पिटल में पहुंच चुका है अपना भाई हार्दिक पांडे से मिलने के लिए। दोस्तों इसके बाद दोनों एक साथ मिल के बहुत देर तक बात करते हुए नजर आया और हालचाल पूछते हुए नजर आया। लेकिन दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दो इस बार हो सके आपको यहाँ पर आपको इंग्लैंड के खिलाफ हार्दिक पांडे आपको खेलते हुए नजर आए। दोस्तों आप बंदे को क्या रही है अभी डॉक्टर ने बता दिया है इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ पर हार्दिक पांडे तब तक ठीक होके पूरा तरीके से रिकवरी ले लेगा। दोस्तों आप बंदे को क्या रहा है क्या हार्दिक पांडे के बिना टीम इंडिया जीत पाएगा? भले यहाँ पर हार्दिक पांडे नहीं ठीक हो पाए तो क्या जीत पाएगा टीम इंडिया नहीं या नहीं? कमेंट में आप तक कीमती राय जरूर बताएं। आगे भी क्रिकेट से जुड़ी सभी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।